लोग सांपों से बहुत ज्यादा डरते हैं और भारत में सांपों की लगभग 300 प्रजातियां हैं, जिनमें से अधिकतर जरा भी जानलेवा नहीं है, जैसे कि ये सुंदर वाइन स्नेक या सुआपंखी। पर भारत में कुछ बहुत खतरनाक सांप हैं जो हजारों लोगों की जान लेते हैं। उनका डसना अक्सर एक दुर्घटना होता है जिससे बचा जा सकता है। वैसे तो भारतीय सांपों की 15 प्रजातियों से इंसानों की मौत हुई है, पर भारत में अधिकतर लोग सबसे ज्यादा 4 किस्म के सांपों के डसने से मरते हैं। इनके स्वभाव को समझकर इनसे अनजाने में हुई दुर्घटना से अगर अपना बचाव करना सीख लें तो कई लोग मरने से बच पाएंगे। करीब 50,000 औरत, मर्द और बच्चे भारत के गांव में हर साल सांप के डसने से मर जाते हैं। इनमें से ये 4 प्रजातियां सबसे ज्यादा प्राणघातक हैं: चित्ती या कौड़िया, नाग या काला सांप, कैली या करैत और फुरसा या दीनियर। इन सांपों और उनसे बचने के उपाय जानकर इनसे डसे जाने की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। फन फैलाए हुए ये कोबरा या नाग या काला सांप विश्व भर में एक अत्यंत जहरीले सांप का प्रतीक है, जो डसते ही आपके शरीर में ढेर सारा न्यूरोटॉक्सिक जहर भर देता है। इसलिए नाग को भारत का सबसे खतरनाक सांप माना गया है। पर इनकी इस बदनामी के बावजूद नाग असल में हमसे डरते हैं। हमसे सामना होते ही वो हमें डराने की पूरी कोशिश करते हैं। फन फैलाकर नाग और बड़ा और खतरनाक लगता है, जो हमें डराने की उसकी एक चाल है। वो हमें डसना नहीं बल्कि हमसे कहना चाहता है, मुझे अकेला छोड़ दो। अगर खुद को बड़ा करके डराने की चाल कामयाब नहीं होती तो नाग उससे भी होशियार पैंतरा अपनाता है। उसका खतरनाक वार। पर असल में उसका ये वार अक्सर एक नकली चाल होती है। ये स्लो मोशन शॉट आपको एक नाग के वार की असलियत दिखाएगा। अक्सर वार करते हुए नाग अपना मुंह बंद रखता है, जिससे साबित होता है कि उसका डसने का कोई इरादा नहीं है। वो फूर्ती से पैर को सिर्फ छूता है, बस एक चेतावनी देने के लिए। नागों के डरावने स्वरूप के बावजूद वो दरअसल स्वभाव से बहुत शर्मीले होते हैं और जहां तक हो सके खुद इंसानों से बच कर रहते हैं। जब उन्हें हमसे कोई खतरा महसूस नहीं होता, वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं। नाग सबसे ज्यादा खेतों में पनपते हैं, जहां उनके प्रिय शिकार चूहों की भरमार होती है। ये चूहे भी बड़ी तादाद में इन खेतों में बांध के किनारे अपना बिल बनाते हैं, क्योंकि यहां इन्हें भोजन की कोई कमी नहीं होती। इन्हीं चूहों से आकर्षित होकर नाग भी खेतों में चले आते हैं, जिससे यहां इनसे डसे जाने का खतरा और बढ़ जाता है। गांव के अधिकतर घर खेतों के पास होते हैं और आसपास नागों का रहना काफी घातक साबित हो सकता है। चूहे अक्सर इन घरों में खाने की तलाश में आते हैं और जहां इन्हें पर्याप्त भोजन मिलता है वहीं अपना डेरा जमा लेते हैं, और जहां चूहे होंगे वहां नाग भी जरूर आएंगे। सांप उसी इलाके में ज्यादा घूमते हैं जहां उनके लिए ढेर सारा शिकार होता है, जैसे कि चूहे या अन्य जीव, जिन्हें वो अपनी सूंघने की तेज शक्ति से खोज निकालते हैं।
और जब एक जहरीला सांप इंसानों के बीच रहने लगता है तो दुर्घटना की संभावना और बढ़ जाती है। नाग इंसानों से डरते हैं और सबसे पहले उनसे बचने की जगह ढूंढते हैं और किसी नजदीकी सुरक्षित कोने में जाकर छिप जाते हैं। वो सांप तो बस अपनी सुरक्षा चाहता है, पर अक्सर ऐसे हालात इंसान के लिए अनजाने में प्राण घातक साबित हो सकते हैं। एक नाग की समझ से उसके बहुत करीब आता हुआ किसी इंसान का हाथ उसे अपने लिए खतरा महसूस कराता है, जबकि उस इंसान को नाग की उपस्थिति का जरा भी अंदेशा नहीं होता। कई इमारतों में भी नागों के साथ घटी दुर्घटनाएं अक्सर इसी क्रमानुसार होती हैं। चूहे भोजन की तलाश में इमारतों में घुसते हैं और नाग उनके पीछे पीछे चले आते हैं। नाग संबंधी दुर्घटनाओं को कम करने के लिए खास तौर पर इंसानी बस्तियों में चूहों की रोकथाम करना बहुत आवश्यक है। घरों को चूहों से मुक्त करके उनकी तलाश में आने वाले नागों को भी रोका जा सकता है। सॉस्केल वाइपर, खुरसा या दीनियर भारत के महाविषैले सांपों में सबसे छोटा जरूर है, पर कुछ प्रांतों में ये आम तौर पर पाया जाता है और इसका विष बहुत घातक है। इनके ज्यादा पास जाने से ये बिजली की तेजी से आक्रमण करते हैं। फुरसा अधिकतर खुले सूखे इलाकों में पाए जाते हैं, जहां वो कीड़े मकोड़े, छोटे चूहे इत्यादि की खोज में रहते हैं। डर के आभास से फुरसा अपने शरीर को जलेबी की तरह गोल करके अपनी खुरदरी चमड़ी को आपस में रगड़कर ध्वनि उत्पन्न करता है। अपने छोटे आकार की वजह से ये घास में या सूखे पत्तों के नीचे छिपे हुए दिखाई नहीं देते। लोग अक्सर इसके छोटे आकार की वजह से इसे ज्यादा हानिकारक नहीं समझते, पर इस धोखे में मत रहिएगा, ये एक बहुत खतरनाक सांप है। जिन प्रांतों में फुरसा सांप अधिकतर पाए जाते हैं वहां खुले में खेलते हुए बच्चों के लिए हमेशा खतरा बना रहता है। फुरसा के वार से बचने के लिए खुले मैदान में काम करते समय कहीं भी हाथ या पैर डालने से पहले उस जगह को ठीक से जांच लें और रात को टॉर्च बत्ती का उपयोग करें। क्रेट, करैत या कैली काफी डरपोक से रात के सांप होते हैं। वो दिखने में भले ही नाग या चित्ती जैसे डरावने न हो, पर उनका जहर भारतीय सांपों में सबसे ज्यादा प्राणघातक है। करैत छोटे जंतुओं के शिकार पे सिर्फ रात में ही निकलते हैं और अक्सर मलबे के ढेरों में या गोदामों के पास पाए जाते हैं और कभी कभी चूहे तलाशते हुए घरों में भी घुस जाते हैं। पतली सफेद धारियां, यही करैत की निशानी है। कुछ अन्य हानि रहित सांप भी इसकी तरह दिखते हैं, उन्हें अकेला छोड़ दें।
लोग अक्सर अंधेरे में बिना टॉर्च बत्ती के चलते हुए करैत पर पांव रख देते हैं, पर कुछ ऐसे अजीब हादसे भी सामने आए हैं जिनकी वजह से कई लोगों की मौत हुई है। कभी कभी अपने किसी शिकार की खोज में एक रेंगता करैत खुले में सोते हुए इंसानों के बहुत करीब आ जाता है, जिसका नतीजा बहुत खौफनाक होता है। करैत की मौजूदगी से बेखबर सोता हुआ आदमी नींद में करवट बदलकर गलती से करैत के ठीक ऊपर आ जाता है। और करैत उसे डस लेता है। दूसरे विषैले सांपों से डसे जाने के मुकाबले यहां उसे बहुत हल्का या जरा भी दर्द महसूस नहीं होता। इससे बेखबर कि वो डसे गए हैं, कई लोगों की नींद में ही मौत हो गई। करैत से डसे जाने की दुर्घटना से बचने के लिए बाहर खुले में जमीन पे सोते समय हमेशा अपने चारों तरफ मच्छरदानी से एक दीवार सी बना लें। इससे आप आराम से चैन की नींद सो पाएंगे और हर प्रकार के रेंगते हुए सांप या जंतु से बचे रहेंगे। रसल्स वाइपर, चित्ती, पारन या कौड़िया, भारत का सबसे घातक सांप, जिसका बड़ा आकार, लंबे दांत और हलाहल विष इसे एक खतरनाक सांप बनाता है। ये भारत की अधिकांश सर्पदंश मृत्युओं का जिम्मेदार है। चित्ती सांप को लोगों ने अक्सर एक हानि रहित माटी का सांप या अजगर सांप समझकर हाथों से पकड़कर उठाया भी है, जो एक बहुत ही घातक गलती साबित हो सकती है। चित्ती सांप की असली पहचान है इसकी पीठ पर एक चेन की आकार के बने हुए लंबे निशान। अपनी चमड़ी के रंग की वजह से वो आसानी से सूखे पत्तों के झुरमुट में छिपकर शांतिपूर्वक एकदम स्थिर रहकर चूहों या चिड़ियों जैसे शिकार के अपने करीब आने का इंतजार करते हैं। फिर वो बिजली की फूर्ती से उन पर वार कर देते हैं। पत्तों के झुरमुट में छिपे चित्ती सांप को देख पाना बहुत मुश्किल है। सुरक्षित रहने के लिए सूखे पत्तों के झुरमुट में ना चलें, खास तौर से जिन इलाकों में चित्ती सांप पाए जाते हैं। सूखे पत्तों के कचरे और झुरमुट को साफ करके एक सुरक्षित मार्ग बनाया जा सकता है जिस पे लोग सुरक्षा पूर्वक आ जा सकें। चित्ती सांप रात को काफी सक्रिय होते हैं। इस तरह का अत्यंत घातक सांप रात के समय अंधेरे में चलते हुए लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। दुर्भाग्यवश गांव में लोग अपने आसपास के इलाके को इतने अच्छे से पहचानते हैं कि वो अंधेरे में अक्सर बिना टॉर्च के ही निकल पड़ते हैं, पर जिन इलाकों में चित्ती सांप होते हैं ऐसा करना जानलेवा है। अधिकांश लोग चित्ती सांप द्वारा रात को ही डसे जाते हैं, क्योंकि वो अंधेरे में उसे बिना देखे उस पर अपना पैर रख देते हैं। जिन लोगों के घरों के पास चित्ती सांप रहते हों, उनका रात के अंधेरे में रोशनी का सहारा लेकर चलना उनकी जान बचा सकता है। कम दाम की रिचार्ज होने वाली एक एलईडी टॉर्च लाइट लोगों को अधिकतर सांप के डसने से बचा सकती है। भारत में हम सांपों के साथ ही रहते हैं, और कुछ एहतियात आपको सुरक्षित रख सकते हैं। हमेशा चलने या कहीं हाथ डालने से पहले देखें, अपने घरों से चूहों को दूर रखें, और रात को हमेशा रोशनी के सहारे ही चलना फिरना करें।
आपको बस इतना ही करना है। अब आप सांप के डसने से बचने के उपाय जान गए हैं, पर अगर कोई सांप आपको डस ले तो तुरंत अस्पताल जाइए और उसका एंटी वेनम लीजिए।